अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आई एम शाज़ेब अली एंड आई वेलकम यू ऑल इन द माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट एग्जीबिशन ऑफ 198। दिस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन इज बीइंग सुपरवाइज्ड बाय डॉक्टर अतैया बकई एंड इंजीनियर शोएब खासकली। इस वीडियो के जरिए हम आपको आज वाली जो एग्जीबिशन है उसमें प्रेजेंट होने वाले सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल्स देंगे, ताकि उन प्रोजेक्ट को देख के आप भी अपनी नॉलेज जो है एनहांस कर सकें। सो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट्स। So we are here for our first project and we have with us Mr. Danish who will explain his project. Assalam alaikum Danish, please explain your project. Walaikum salam. हमने Android control robot बनाया है और जिसके लिए हमें physical remote की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने इस तरह दो तरीके से instruction हम इसको दे सकते हैं, एक voice के through और एक text के through। आपके robot की खास बात क्या है? ये एंड्रॉयड से कंट्रोल होते हैं। स्मार्टफोन तो सबके पास होती है आजकल, रिमोट संभालना तो कितना मुश्किल है, तो इस वजह से हम मतलब स्मार्टफोन से इसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, भला क्या ऐसा हो सकता है मैं कहूँ आगे बढ़ो तो ये खुद ही आगे बढ़े? हाँ, इसमें वॉइस कमांड्स हमने दी हुई है। अच्छा जी, थोड़ा चला के दिखाएं। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। प्लीज एक्सप्लेन। हमने ये प्लांट सॉइल मॉइस्चर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम बनाया है। इसमें हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर एक यूज़ किया है। ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है कि हमारे पास हमें प्लांट्स जो है, इन प्लांट्स का जो मॉइस्चर लेवल है, इस मॉइस्चर लेवल को डिटेक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा कि इस एक सेट लेवल होता है, अगर इस लेवल से नीचे इसका मॉइस्चर है तो क्या करेगा, ये हमारी मोटर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, और अगर इसका मॉइस्चर लेवल किसी सेट लिमिट से ऊपर जाता है तो फिर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसको वाटर प्रोवाइड करने के लिए। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि प्लांट्स आजकल, जैसे आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितना की रोल प्ले करते हैं, अब उनकी वाटरिंग उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हमारे पास एजड पर्सनस होते हैं, वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनके मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मुश्किल काम होता है। तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिकली उसको प्रोवाइड करेगा। इससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। इसकी वर्किंग मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने इसके अंदर आर्डुइनो यूज़ किया हुआ है, तो हमने आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग इसमें की है। अब ये वर्क किस तरीके से करेगा मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ड्राई थी बिल्कुल, इसके अंदर प्लांट बिल्कुल ड्राई था, तो ये मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो गई, और जैसे ही इसके अंदर पानी गया तो ये कुछ वेट हो गया है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई है। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग हमारे साथ प्रोजेक्ट है, उसके बारे में जानते हैं। सो कुर्बान एक्सप्लेन करें अपना प्रोजेक्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है और मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा ये प्रोजेक्ट है रियल टाइम व्हीकल एक्सीडेंट डिटेक्शन। जब भी आपको पता है कि जो भी एक्सीडेंट होते हैं, तो खासकर हमें पता नहीं चलता है कि बंदे का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और एट ए टाइम ना अस्पताल को, एम्बुलेंस को, और ना ही किसी और को, फैमिली मेम्बर्स को पता है कि एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है। तो हमारा मकसद ये है कि हमने यहाँ पर दो सिस्टम यूज़ किए हैं, एक GPS मॉड्यूल यूज़ किया है और एक GSM मॉड्यूल यूज़ किया है। और GPS जो मॉड्यूल यूज़ किया है हमने, ये हमारा है GSM मॉड्यूल, ये है हमारा GPS मॉड्यूल। GPS मॉड्यूल जो है वो कनेक्ट होता है हमारे, GPS मॉड्यूल जो कनेक्ट होता है वो हमारे मैप से कनेक्ट होता है, गूगल मैप से। और ये हमारा जो GSM मॉड्यूल है वो जो है वो मैसेज को क्या करेगा, सेंड करेगा। जैसे भी हमारा एक्सीडेंट जैसे ही होगा, तो ये GSM जो है वो अपना सिग्नल जो है वो किसको भेजेगा, GPS को भेजेगा। GPS जब GPS क्या करेगा, लोकेशन भेजेगा उस बंदे की। आपके मीन्स हमने तीन नंबर दिए हैं यहाँ पर हमने तीन नंबर दिए हैं, ये वाले तीन बंदों के। फॉर एग्ज़ाम्पल, तीन बंदों के कैसे दिए हैं, हम एक हॉस्पिटल का भी दे सकते हैं, और एक हमारे पुलिस हेल्पलाइन का भी दे सकते हैं, और एक हमारा घर का जो पर्सनल जो है वो नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर हमने ये तीन नंबर यूज़ किए हैं। जो जब भी हमारा एक्सीडेंट अकर होगा तो इन तीनों पे क्या चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा। सो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज सॉइल मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। अब ये क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके बारे में समीला से जानते हैं। समीला, प्लीज़ एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट।
अस्सलाम वालेकुम शाज़िर भाई, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली इस बारे में है कि हमारे सॉइल में जो न्यूट्रिशन है वो किस हद तक है, कमी है, ज़्यादती है, या उनको हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बेसिकली हमने ये IoT बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमारे पास जो है डेटा की जो ट्रांसफ़र है वो बिना किसी वायर के हो रही है एक वाईफाई मॉड्यूल के थ्रू। जो मेन सर्किट है उसमें हमने एक Arduino Nano यूज़ किया हुआ है, ESP32 यूज़ किया हुआ है, और सॉइल सेंसर्स को इनेबल करने के लिए MAX32 यूज़ किया हुआ है। जो सर्किट है वो हमारे पास दो चीज़ों पे काम करता है, एक होता है सेंसर कोड और दूसरा होता है गेटवे सर्किट। जो दो मोड्स हैं या दो कोड्स हैं उसमें जो फर्स्ट को हम एज इनपुट मोड कहते हैं, जिसमें हमारे पास सेंसर्स के थ्रू एनालॉग, ये हमारे पास कैपेसिटिव सेंसर है और ये हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है। एट अ टाइम हम यहाँ से दो इनपुट्स ले रहे हैं, जो कि एक डिजिटल है जो कि कैपेसिटिव सेंसर है, ह्यूमिडिटी ले रहा है, और जो टेम्परेचर सेंसर है वो एनालॉग सेंस कर रहा है। वो दोनों हमारे पास डेटा जो आ रही है Arduino Nano में आ रही हैं। यहाँ Arduino Nano पहुँचने तक सेंसर जो फर्स्ट मोड है सेंसर मोड वो कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने ट्रांसीवर मॉड्यूल्स यूज़ किए हुए हैं जिनको हम एज अ ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज़ करते हैं। Arduino Nano जो है वो डेटा भेजता है ट्रांसमीटर की तरफ, वो सिग्नल्स के थ्रू भेजता है रिसीवर की तरफ, और रिसीवर से हमारे पास वो डेटा आती है ESP मॉड्यूल में, जो बेसिकली हमारा वाईफाई मॉड्यूल है जो कि कनेक्टेड है हमारे पास PC के वेबसाइट से। जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा आती है उसको ये Arduino Nano ट्रांसफ़र करके डिजिटल में हमारे पास डेटा भेजता है, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ पर एक वेबसाइट है थिंग्स स्पीक, जिससे मुराद ही यही है कि हम चीज़ों के बारे में पूछें उनको ज़रूरत क्या है। इसी तरीके से ये जो डेटा है हमारे पास रियल टाइम PC पे शो हो रही है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये हर मिनट पे हमारे पास डेटा जो है चेंज हो रहा है, ये हमारे पास हर मिनट पे डेटा चेंज हो रहा है। अभी आप टाइम देख सकते हैं 27 में, ये हमारे पास 25 का डेटा है, अभी एक मिनट में ये फिर डेटा जो है चेंज हो जाएगा। इससे हम यहाँ पर इस ग्राफ में हमें सॉइल का टेम्परेचर बता रहे हैं और इस ग्राफ में हमारे सॉइल का मॉइस्चराइज़र बता रहे हैं। और ये जो वजह है ESP32 यूज़ करने की, या ये जो थिंग्स स्पीक यूज़ करने की है, कि ये हम मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें किसी प्लांट का सॉइल न्यूट्रिशन जानना है तो हम ये पूरा सर्किट लेके घूमते तो नहीं फिरेंगे ज़मीन पर, तो इसी वजह से हम इस सर्किट को प्रिजर्व करके अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ पर भी हम सेंसर पुट करेंगे ना, तो हमारे पास वहाँ पर जो इसके रियल टाइम एप्लीकेशन के थ्रू हमें उसका सेंसर का पता चल जाएगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो फार्मिंग में आजकल इश्यूज आ रहे हैं या जो भी मुश्किल आ रही हैं उनको एक हल करने के लिए हमने ये तरीका इस्तेमाल किया है। थैंक यू। After so many interesting projects, we are back with another interesting project, and for this we have with us Mubashir and Mustafa, and they both will explain and show. So Mubashir. So project का हमारा नाम है Automatic Transport System Path Follower, और इसके अंदर हमने तीन basically color use किए हैं जिसको detect करके robot आपका आगे move कर रहा है या back move कर रहा है या फिर stop कर रहा है। अगर red को detect करेगा तो जो stop करेगा green के लिए, green से आपका forward move करेगा, blue से आपका backward move करेगा। हमने यहाँ पे दो path जो है वो unloading path भी बनाए, जिससे यानी कि starting आप या ending point पे हमको कह सकते हैं। और हमने इनमें different components Arduino Nano यूज़ किया है, motor driver यूज़ किए हैं, और color sensor यूज़ किया है जिसकी मदद से जो है वो color sense हो रहा है। That's it। और इसकी एप्लीकेशन आपके पास ये है कि जो है गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक आइटम्स को एक जगह से जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चला के दिखाएं। ये ग्रीन LED मैं ऑन करूँगा तो ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जा रहा है। ये ग्रीन LED मैं बंद कर दूँगा तो ये रुक गया। ये नो कलर जब भी डिटेक्ट करेगा तब भी स्टॉप होगा, और रेड कलर पर भी स्टॉप होगा। जैसे ब्लू LED है तो ये पीछे आ रहा है, और रेड LED पर कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब स्टॉप हुआ। ओके, थैंक यू। सो अनदर मैन एंड अनदर प्रोजेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट। सो मिस्टर संदीप, एक्सप्लेन करें अपना प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो है AC को कंट्रोल करना विदाउट रिमोट, मतलब AC को टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर उसको मेंटेन रखना है किसी लेवल पे, और Arduino की तरफ सिग्नल देना है उसको। तो हमने कंडीशन सेट की हुई है तो टेम्परेचर रूम का जो है 26 से 29 के बीच में रहे। अगर टेम्परेचर 29.1 भी हो जाता है तो AC ऑन हो जाए, और 26 से 25.9 हो जाता है फिर भी AC ऑफ हो जाए। उसमें हमने शो किया है, OLED पे भी शो किया है, ये ह्यूमिडिटी भी हमने DHT11 लगाया तो ह्यूमिडिटी भी शो कर रहा है, इसमें ह्यूमिडिटी आ रही है 38%, और इंटेंसिटी शो किया है LDR के थ्रू। अब अगर इसकी हम एप्लीकेशन बता दें तो एप्लीकेशन ये है, मीन्स कोई लैब है, मेडिकल लैब है या इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, तो उसका क्या होता है उसमें कंपोनेंट पड़े हैं, वैसे काम नहीं कर रहे, टूल रखने के लिए कोई स्टोर है, तो हमें उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ने से ख़राब हो जाते हैं। टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बंदा रखना पड़ता है जो AC चलाए और टेम्परेचर कम ज़्यादा करता रहे, तो इससे बेहतर है हम ऑटोमेटिक कर लें और बंद कर दें रूम। ठीक
आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अब ये क्या है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, जानते हैं इनके मालिकों से। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्लेन करें अपना प्रोजेक्ट, यहाँ आ जाए आप। वालेकुम अस्सलाम, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है जो है वो एंड्रॉइड ऐप यूजिंग RGB LED विथ ब्लूटूथ मॉड्यूल। सो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमने ऐप के थ्रू, एक एंड्रॉइड ऐप है जो हमने MIT ऐप इन्वेंटर के थ्रू बनाई है, उसके थ्रू हमने अपनी RGB LEDs जो हैं उनकी कलर डिपेंडेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हमने एक PIR सेंसर यूज़ किया है जो हमारे हैंड डिटेक्शन के थ्रू हमारी LEDs को जो है वो टर्न ऑफ करेगा। यानी हम अपना डिटेक्शन सिग्नल हाथों के ज़रिए, अपने फिजिकल गेस्चर के ज़रिए अपने PIR सेंसर को देते हैं, जिसकी वजह से हमारी LEDs RGB रेड, ग्रीन और ब्लू टर्न बाय टर्न ऑन जो है वो हो रही होती हैं। इसकी वजह से अब हमने ऐप क्यों बनाई है, ताकि रेड, ग्रीन और ब्लू LEDs की कलर को, इंटेंसिटी को मतलब इन्हेंस कर सकें, ताकि हमारे ट्रैफिक लाइट सिस्टम में जो लोग बहुत दूर खड़े हैं, जो ट्रैफिक में बिजी हैं, उनको अगर नज़र नहीं आ रही है रेड लाइट फॉर द इंडिकेशन, क्योंकि उनको रुकना है, तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ाकर हमने सिग्नल दे सकते हैं कि यार आप रुक जाओ, क्योंकि अभी आपकी जो है रेड सिग्नल है। फिर हम ब्लू देंगे ऐसे ही, और ऐसे ही ग्रीन देंगे फॉर दी के वो अपनी जो ट्रैफिक है वो अब चलना शुरू हो जाए। इसकी वजह से ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, और इसकी मेजर एप्लीकेशन ट्रैफिक लाइट सिस्टम में है। हमने इसको ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश की है बाय यूजिंग दी सेंसर्स। थैंक यू। Finally, we have with us our subject teacher, Dr. Atiya Bakai, who organized the whole microcontroller-based project exhibition. So let's hear from her, that what are her views about the project exhibition. So, Assalamu alaikum, ma'am. ये जो पूरी project exhibition हुई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ख्याल है इसके बारे में आपका? Waalaikum assalam. Thank you, Shazib, for giving me this opportunity to give my thoughts over the exhibition. As you know that we organize this exhibition in every semester. Teachers give some projects as part of the semester activity to submit at the end of the semester. So the subject was Introduction to Embedded System, and I, as the theory subject teacher, along with my team, Shoaib Khasheli, who was the practical subject teacher, and we have very learned engineer Azam Nema, instrumentation engineer, and engineer Burhan, who is the lab supervisor in the embedded system laboratory. So I discussed this idea with my team members that I am thinking to organize the exhibition, not only the project submission, but we should go for the exhibition. So they readily appreciated the idea, and I discussed with the 19S batch as well. So the class was also motivated. So we decided to give them the time frame of 1 month or more than 1.5 months, in which they were given the evaluation criteria, the rubric sheet. This was given to them, that how to prepare for the competition. Different projects were, ideas were passed from the class, and in that I gave them different contributions to add in the project. So in order to highlight, not only do the projects which are conventional in nature, just add your contribution, highlight your contribution. So after scrutiny, after finalizing the projects, we decided, then we gave them the evaluation sheet, in which there were 5 criteria, like research problem, design methodology, execution, construction and testing, creativity, presentation on the poster, as well as on the interactive skills. So these were the broad evaluation criteria.
besides the demonstration and hardware skills, they were also evaluated for the presentation skills in the poster. They were given the template how to make the poster, so digital posters were asked, and how to make the report as well, because these presentation skills are very necessary. So this was the objective of the overall exhibition, that's to evaluate them on the basis of their skills, to groom their skills, technical as well as the presentation skills. So ma'am, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आप प्रेजेंट किए हुए पूरी प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में, वो आपने देखा, और आपके साथ पूरी एक टीम भी थी, जजेस की टीम, जो कि एवेल्यूएट कर रहे थे, लाइक देयर वर टीचर्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, एंड देयर वर आल्सो टीचर फ्रॉम अवर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट. तो आपने जो भी सारे प्रोजेक्ट्स की एनालिसिस वगैरह की, उसके बाद अगर मैं कंक्लूजन लूँ आपसे कि जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी लेवल किस हिसाब से थी, या ऐसे कहूँ कि आप कितनी कदर उन प्रोजेक्ट से मुतासर हुई हैं, कि उनकी मतलब जो लोगों ने, स्टूडेंट्स ने जो प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए वो कैसे थे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा, एक तो हमने जैसे मार्किंग थी, सब्जेक्ट की मार्किंग के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल में, वो मैंने और सर शुएब ने जैसे अपनी अलग रखी थी. हमने इनको वही फील देने की कोशिश की जैसे किसी नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो उसी तरह की जो है वो हमने, क्योंकि 22 प्रोजेक्ट्स थे जो कि इनके सबमिट हुए, क्योंकि तीन मेंबर्स हमने अलाउ किए थे कि फाइनल ईयर के अंदर, अभी करंटली पीईसी की जो पॉलिसी है उसमें जो है वो आप तीन मेंबर्स, तो वो भी इनको अपकमिंग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए भी तैयारी करवानी थी. तो इस तरह से इनकी क्लास में से ओवरऑल 22 प्रोजेक्ट्स थे. उसको हमने फिर डिवाइड किया दो हाफ्स में कि 11 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका हमने चार जजेस का ऐसे पूल बनाया कि एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल. तो हमने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से दो जजेस इनवाइट किए थे, डॉक्टर फहीम अजीज उमरानी और डॉक्टर ज़फ़ी शहरान शाह को. उसमें फिर हमने इंजीनियर बुरहान और इंजीनियर आज़म, इनके साथ हमने पेयरिंग की, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल की, और फिर उसके बाद जो है वो एवरेजिंग की. अब इसमें जो प्रोजेक्ट्स जैसे सामने आए उसमें काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, कि जब हमने क्लोजिंग सेरेमनी की, इसकी अवार्ड सेरेमनी की, तो उसके अंदर क्योंकि हमने कहा सिर्फ एग्जीबिशन नहीं, बच्चों की जो है वो हौसला अफजाई भी होनी चाहिए, कि स्टूडेंट्स काफ़ी जब मोटिवेटेड होते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें काम करके दिखाते हैं. तो असल ये था कि उनको मोटिवेट करना था. तो प्रोजेक्ट्स के अंदर क्लोजिंग सेरेमनी में जब डिफरेंट थॉट्स फैकल्टी ने और जजेस ने अपने शेयर किए, तो डॉक्टर ज़फ़ी ने अपने कमेंट्स में भी ये कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको अगर ये एक्सटेंड करें तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की लेवल तक इनको लेके जा सकते हैं. इसी तरीके से इंजीनियर सालिम ने जैसे कहा, क्योंकि फैकल्टी ने और जो स्टाफ है उन्होंने भी ये विजिट किए थे, तो उसके अंदर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे कलर मिक्सिंग हो गया या इस तरह के और काफ़ी सारे हैं जो आप इंटरव्यू में इन्होंने कंडक्ट किए हैं, तो वो आप डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे. तो वो इस तरह के हैं जिनको आप कमर्शियल ग्रेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी लेके जा सकते हैं. तो पोटेंशियल तो प्रोजेक्ट्स में भी था और स्टूडेंट्स में भी है कि अगर वो उसको आगे कंटिन्यू करें तो ये काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट साबित हो सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और उसके अलावा वो भी होंगे जिन्होंने परफॉर्म किया, तो उन सब के लिए स्पेशली 19 बैच के लिए आपका फाइनल मैसेज या पैगाम क्या होगा? 19 के लिए यही कि जिस तरह से जो मोटिव था इस प्रोजेक्ट के पीछे, कि बच्चे जो हैं वो अपने टैलेंट के साथ सामने आए, और ना सिर्फ इन्होंने ये प्रूव किया इस एग्जीबिशन के अंदर कि ना सिर्फ उन्होंने हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स को अपने जो है वो डेमोंस्ट्रेट किया, बल्कि जो मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, टाइम स्किल्स होते हैं, कोई इवेंट जो है वो आपने किस तरीके से वॉलंटियर करना है, तो इनकी क्लास ने जो है वो मुझे मायूस नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छी रिस्पांस मिली कि सारा इन्होंने खुद ही वॉलंटियर ये खुद थे मैनेज कर रहे थे. और इसी तरीके से जैसे किरत भी इनकी क्लास में से एक स्टूडेंट है, 38 नाम जो है उनका, तो ईमान नाम है, तो उन्होंने किरत माशाल्लाह से बहुत अच्छी की. तो फोटोग्राफी या जो है वो जैसे इन्होंने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की, या जो भी काम होते हैं जिस तरह के टैगिंग कर रहे हैं या क्या जो भी वॉलंटियर वाले काम होते हैं, लेकिन एक टीम वर्क जिस तरह से एक डिपार्टमेंट को, एक क्लास को, एक टीचर्स को, एक फैकल्टी को, आपका डिपार्टमेंट का रोल नज़र आता है ना, तो वो चीज़, क्योंकि टीम वर्क बड़ा काउंट करता है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाते हैं अगर आपकी टीम अच्छी हो. तो ये जो है ना, ये मेरा सरमाया है, तो इन्होंने बच्चों ने साबित किया है कि ये वाकई हमारे डिपार्टमेंट का सरमाया है. ओके मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.